हाय एवरीवन, फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोग साथ बहुत दिनों के बाद न्यू किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स है हमारा इस तरीके के। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे न्यू टिप्स है इस तरीके के। ये जो बल्ब वाला बॉक्स रहता है, इसमें इसके अंदर से तो हम बल्ब का यूज कर लेते हैं। उसके बाद इसका जो बॉक्स होता है, या तो इसे हम कचरे में डाल देते हैं या फिर इसको जला करके राख बना देते हैं। तो मैंने ना इससे एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक्स मतलब बनाया है, हैक बनाया है। तो आप लोग को आई होप कि पसंद आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस वाले डिब्बे के ऊपर में जो भी बल्ब होता है उसको तो मैं यूज कर लूँगी, और इसके अंदर का बल्ब को। और उसके बाद ऊपर से इस तरीके से ब्लेड की सहायता से मैं इसमें ना कट्स लगा रही हूँ। तो कट्स मुझे थोड़ा डिस्टेंस पर लगाना है, दूर दूर से। और मैंने यहाँ पर इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 3 कट्स लगाए हैं इसके अंदर, देख सकते हैं। सावधानी पूर्वक से लगाना है, क्योंकि ना ब्लेड में धार रहता है तो हाथ कटने का रहता है, इसीलिए। तो उंगली को बचाते हुए मैंने यहाँ पे 3 कट्स लगा लिए इसके अंदर, इस तरीके से, देख सकते हैं। अब मैं इसमें इसके अंदर क्या करूँगी ना, ऑर्गेनाइज करके ये जो हमारी कंघी है ना, इसको ऑर्गेनाइज करके मैं रख दूंगी। तो एक जगह तीनों कंघी को रखने से ज़्यादा जगह घेरेगा ये, इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा। तो किसका कौन सा कंघी है एक बार में निकाल के अपना यूज कर सकता है। आप लोग को ये पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टिप्स है इस तरीके के सिंक को लेकर के, किचन के सिंक को लेकर के। तो हमको पता होगा कि हमारे किचन में जो किचन का सिंक होता है वो हमारे लिए कितना ही बड़ा बहुत ही ज़रूरतमंद पार्ट होता है किचन का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, इसके अंदर से मतलब ऊपर से तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, और अंदर से जो होता है ना, हम लोग इसे साफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो जाल लगा हुआ होता है, उसके अंदर हम कैसे साफ़ करेंगे, ना तो कुछ जाएगा उसके पाइप में ना कुछ। तो खाना वगैरह जो इसके अंदर जाता है, बर्तन धोने के बाद जो कुछ भी हम डालते हैं, तो पाइप के अंदर ना छोटे छोटे कीड़े बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जिससे ना क्या होता है ना, इसके ऊपर ना गंध आने लगती है अजीब सी। तो उसी गंध को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, चाय पत्ती लिया, उस पर गर्म पानी डाला, एक जो इस एक्सपायर टैबलेट होता है वो मैंने लेकर के इसके अंदर डाल दिया। उससे क्या होगा ना, इसके अंदर के जो भी बैक्टीरिया वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट टिप्स है इस तरीके के, मतलब जब भी हम को भी रोटी वगैरह पकाते हैं तो उसके भाप जो होते हैं, जो गुप्त उष्मा होता है, वो हमारे हाथों में लग जाता है, जिसके कारण ना हमारे हाथ के ऊपर रेड पड़ जाता है। तो तत्काल के लिए तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो कॉलगेट वगैरह होता है वो डाल लेंगे इस तरीके से, जिससे क्या होगा ना, इसका जलन ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर, तो फ्रेंड, ये अगर आगे से अगर किसी के हाथ में ऐसा हो जाए तो दाग हो जाए, तो तत्काल के लिए तो ये कॉलगेट हम यूज कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप्स हमारा दोबारा से किचन सिंक को ही लेकर के। जब हमारा किचन सिंक ज़्यादा गंदा हो ना, तो हम क्या करेंगे ना, और स्मेल भी आता रहे उसके अंदर से, तो इसके अंदर ऊपर ना हम पाउडर डालेंगे इस तरीके से। उसके बाद ना इसे अच्छे से हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी हर्बल पाउडर होता है वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे, और इसे अच्छे से हम क्लीन करेंगे। तो हमारा जो है ना, इसके ऊपर से स्मेल भी नहीं आएगा, और अच्छे से किचन सिंक हमारा क्लीन भी हो जाएगा। हम क्या करेंगे, कंघी की सहायता से इसमें लगा के साफ कर लें।